हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू की सब्ज़ी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 से 8 आलू आपको बॉईल करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आलू बॉईल हो जाएं तो उसके ऊपर का छिलका उतारना और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेना। ये हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको मैश करूंगी और इसको साइड में रख दूंगी। अगर आपको आलू बॉईल करना नहीं आता है तो आप कमेंट लिखना, मैं आपको बता दूंगी आलू बॉईल कैसे करते हैं। इसके बाद आपको चाहिए अदरक और 4 टमाटर, ठीक है। देख रहे हो ना आप मैंने कैसे बड़े बड़े 4-5 मोटे मोटे टमाटर लिए हैं, आपको भी इतने ही लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, वेरी सिंपल। मेरे पास ये चॉपर है तो मैंने फटाफट से अदरक को इसमें रफली चॉप करके काट दिया और टमाटर भी बड़ा बड़ा काट दूंगी। और बस इसके बाद हमें बनानी है इसकी ग्रेवी प्योरी। तो आपका मन करे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो, पर क्योंकि मेरे पास ये था तो मैंने कद्दूकस नहीं करा, ठीक है। फटाफट से प्लग ऑन किया और लो जी, फटाफट से हमारी प्योरी बन गई टमाटर और अदरक की, क्योंकि लहसुन तो हमें डालना ही नहीं है, हम ये बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट के बाद आपको अब इसके अंदर 2 हरी मिर्च डालनी है, ठीक है। हरी मिर्च जितनी आपको पसंद हो आप उतनी डालो, मुझे तो भाई 2 पसंद है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आप इसको घुमाओगे और अब ये प्योरी अच्छी तरह बन गई। इधर साइड में मैंने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया और एक बाउल में अच्छी तरह से मैश करके मैं इसको रख दूँगी, ठीक है। बस जी, अब क्या करना था, अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लोगे और कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल के डालोगे। उसके बाद 1/2 चम्मच आप इसमें डालोगे जीरा, ठीक है, 1/2 चम्मच छोटे वाला, ओके। उसके बाद जो आपने प्योरी ऑलरेडी बना रखी है ना, किसकी, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की, वो आप इसके अंदर डालोगे और इसको अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट के लिए बहुत तेज़ आंच पे, मतलब फुल जब गैस होगी तब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहोगे। अब क्या, देखो तेल साइड से थोड़ा अपना तेल छूटना शुरू हो गया ना सब्जी से। अब आप इसके अंदर 1 चम्मच डालोगी जी नमक, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लेना, वैसे 1 चम्मच डलता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच डाली हल्दी, जो हमारा रेगुलर चम्मच होता है उस साइज़ की, ठीक है। उसके बाद हल्दी डालने के बाद अब डालनी है मिर्च, तो 1/2 चम्मच हमने डाल दी इसके अंदर मिर्च, ठीक है। अगर आपके पास देगी मिर्च हो तो आप डाल दो, नहीं हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मिर्च बहुत है, ठीक है। बस आपको नमक डालना है, हल्दी डालनी है और मिर्च डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दो, देखो कलर तो बहुत मस्त आता है और धनिया का फ्लेवर भी बहुत मस्त आता है, तो आप इसके अंदर धनिया भी डाल देना और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहो। अब जो आपने ऑलरेडी आलू मैश करे हुए हैं उसको इस ग्रेवी के अंदर डालो और बिल्कुल अच्छे से आलू और ग्रेवी को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो, ठीक है। अब देख रहे हो ना कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आप इसके अंदर डालो 2 से 3 ग्लास पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। अब कई लोग नहीं ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते तो भाई वो 1/2 ग्लास डाल लें, कईयों को बहुत पसंद है तो वो 2 से 3 ग्लास डाल दें, हम तो भाई तरी वाले आलू बना रहे हैं, ठीक है। बस 10 से 15 मिनट आप इसको पकने दो और आपकी आलू की यम्मी सब्जी तैयार है। इसको प्लेट में डालो, पूड़ियाँ बनाओ और मज़े से खाओ, राइस के साथ भी खा सकते हो। और मुझे पक्का बताना कि आपको कैसा लगा। ये बहुत इंस्टेंट बनती है और क्योंकि प्याज और लहसुन नहीं है तो ये जैन फूड, नवरात्रे फूड सब में चल सकता है।